कॉलेज के 2 साल खत्म होने के बाद मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता था और मेरी CGPA भी 5 point something थी। माई सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज वेरी लो। मैं सोचा था मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। बट सून आई रियलाइज इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे पता है आप में से भी बहुत लोग हैं जो सेकेंड और थर्ड ईयर में हैं, जो कि एक सिमिलर पोजिशन में हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोडिंग सीख सकते हो, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस वापस बढ़ा सकते हो और एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। क्या क्या आपको सीखना है, कहाँ से सीखना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि देखो प्रोग्रामर हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी। बट द रियल क्वेश्चन इज कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। फ्रेंड्स देखो, जैसे कहते हैं कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके हालात उसको बुरा बना देते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कोई बुरी नहीं होती, उसका यूज़ केस उसको बुरा बना देता है। कोई लैंग्वेज किसी यूज़ केस के लिए अच्छी है, किसी के लिए ख़राब है। जैसे C++ DSA के लिए बहुत फास्ट है, बट आप उसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एंड जावा बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन उसको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। एंड क्योंकि शायद आपको लग रहा होगा कि आपके पास टाइम कम रह गया सीखने के लिए, तो आपको सबसे ईजी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। एंड पाइथन से ईजी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो आप सीख सकते हो। बिल्कुल इंग्लिश जैसी होती है, बहुत ही ईजी सिंटैक्स है और आप बिल्कुल मक्खन की तरह उसमें कोड लिख सकते हो। एंड पाइथन यूज़ करके आप DSA भी कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग, बहुत चीज़ें आप कर सकते हो। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। बट पाइथन सीखें कहाँ से? कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कोडिंग सीखते टाइम कि वो लंबे लंबे ट्यूटोरियल वीडियोस देखने बैठ जाते हैं। वो अपना पूरा टाइम वीडियोस देखने में ही लगा देते हैं और खुद से कुछ कोड लिख के देखते नहीं और फाइनली वो कुछ भी सीख नहीं पाते। फिर वो लोग बोलते हैं कि कोडिंग सीखना बहुत मुश्किल है यार, मेरे से तो नहीं सीखी जाएगी। सो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ईजी और सिंपल रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। सो आई वुड रिकमेंड कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है tutorialspoint.com। उस पर बहुत ही सिंपल टर्म्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहाँ पे जाओ, आप पढ़ो कि वो क्या समझा रहे हैं और खुद से फिर आप कोड लिख के प्रैक्टिस करो। लर्निंग कोड इज ऑल अबाउट आप कितना खुद से प्रैक्टिस करते हो। पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। आप 4 महीने वीडियोस देखते रहो, उससे आप कुछ भी नहीं सीखोगे। आप 10 दिन में जितना खुद से कोड लिख के सीखोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा उससे। और आपको इस स्टेप में पाइथन के सिर्फ बेसिक्स को सीखना है, आपको कुछ भी आगे की चीजें नहीं सीखनी, फालतू चीजें नहीं सीखनी, वो हम आगे के स्टेप में धीरे धीरे करेंगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपको क्या क्या सीखना है। आप ये कहीं लिख के रख सकते हो या इस वीडियो को लाइक कर लो ताकि ये सेव्ड हो जाए आपकी लाइक वीडियोस में, ताकि आप बाद में आगे कभी रेफर कर पाओ। तो आपको सीखना है बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल टाइप्स, बेसिक ऑपरेटर्स, इफ एल्स, लूप्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस कैसे बनाते हैं पाइथन में। दैट्स इट। अगर आपने ये सब सीख लिया देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और ये सीखने में टाइम कितना लग जाएगा? देखो, अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे लगाओगे तो 10 दिन में आप इजीली सीख सकते हो, क्योंकि पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आप आराम से सीख जाओगे। बाकी अगर आप ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आप उसे जल्दी भी सीख सकते हो। और ये सीखने के बाद आपको ये नॉलेज को यूज़ करना है और अपनी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप लेना है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रोड मैप, विच इज़ लर्निंग DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो DSA पे ही आपकी 90% प्लेसमेंट डिपेंड करती है, क्योंकि हर इंटरव्यू राउंड में आपसे DSA के प्रॉब्लम्स तो पूछे ही जाते हैं। तो DSA कहाँ से सीखें? तो DSA सीखने के लिए आपको ऑनलाइन हजारों रोड मैप्स, हजारों कोर्सेज, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो ये सब जो अच्छे वाले कोर्सेज होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इट्स अबाउट कि आप किस क्रिएटर से या किस टीचर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, किसकी बातों को ज़्यादा समझ पाते हो, आपको वो कोर्स करना चाहिए, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, दैट्स अप टू यू। ऐसा ही एक रोड मैप वीडियो मैंने बनाया था DSA के लिए, आप वो चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सब लर्निंग रिसोर्सेज भी शेयर किए हैं, एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स भी शेयर किए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपके पास काफी टाइम है तो आप उसमें से सब प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो उसमें एक बेयर मिनिमम वाला सेक्शन है जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सिर्फ बेयर मिनिमम प्रॉब्लम्स करो, बोनस प्रॉब्लम्स को आप मत टच करो फिर। लेकिन अगर आपके पास काफी टाइम है तो आप सब प्रॉब्लम्स को करो। अगर आपको वो फॉलो नहीं करना तो YouTube पे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हो, कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, उनके लिंक्स भी मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड वन सच अमेजिंग कोर्स आई वुड रिकमेंड इज द DSA कोर्स बाय कोडिंग निंजास। मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड नॉट जस्ट DSA बट वेब डेवलपमेंट टू, एंड वहां से सीख के बहुत ही सुपर अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वेब एप्स बनाए हैं लाइक शॉपिंग कार्ट, सोशल मीडिया वेबसाइट्स एंड चैट इंजन्स। उनके कोडिंग कोर्सेज विच आर रेटेड 4.8 आउट ऑफ 5 हैव समथिंग फॉर एवरीवन टू लर्न। आप बन सकते
सकते हो अपने कॉलेज के नेक्स्ट प्रो कोडर एंड यू कैन ज्वाइन कोडिंग निंजास एलुमनाई नेटवर्क हु आर वर्किंग इन 85 आउट ऑफ 105 यूनिकॉर्न कंपनीज इन इंडिया. सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी टू लैंड अ टॉप टेक जॉब एंड पार्टिसिपेट इन कोडिंग निंजास स्कॉलरशिप टेस्ट वेयर यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन द बेस्ट रेटेड कोडिंग कोर्सेज. रजिस्टर नाउ फॉर फ्री एट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ. आप एक चीज याद रखना कि जो भी आप कोर्स पिक कर रहे हो उसको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा खत्म करना. आप बीच में से ही किसी और कोर्स पे जंप मत कर जाना, कभी इधर उधर ऐसा मत करना, क्योंकि एक कोर्स में पूरा स्टार्ट से एंड तक पूरा सिलेबस होता है, लेकिन अगर आप बीच में ही छोड़ के कहीं और चले गए तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे. इसी गलती की वजह से बहुत लोग कोडिंग सीख ही नहीं पाते. अब बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा. देखो DSA सीखने में काफी टाइम लगता है ऑनेस्टली, बहुत सिंपल चीज नहीं है ये सीखने के लिए, तो आपको अराउंड 3 months इसमें स्पेंड करने पड़ेंगे अच्छे से सीखने के लिए. बाकी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस देख के जा सकते हो, बट अगर आपको अच्छे से सीखना है तो 3 महीने तो लगेंगे कि आप एक डिसेंट लेवल पे आ जाओ. बाकी डिपेंड्स ऑन आप कितना टाइम देते हो उसको और आप कितना डेडिकेशन से करते हो, बट अराउंड 3 महीने रफली लग जाते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज जो आपको सीखना है वो है OOPS, और ये ऐसी चीज है जो कि आगे के स्टेप्स में आपको बहुत काम आएगी, स्पेशली डेवलपमेंट में आपको बहुत काम आएगी. OOPS और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत यूज होने वाला है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको करना भी. एंड कुछ इंटरव्यूज में OOPS के क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से इसलिए करना होगा. OOPS में आप पढ़ोगे कि व्हाट आर क्लासेस, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम सीखोगे. OOPS आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, C++, जावा, पाइथन, बट क्योंकि हम पाइथन कर रहे हैं स्टार्टिंग से तो हम पाइथन में ही सीखेंगे. तो ये कहां से सीखें, तो इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रिसोर्स रेकमेंड करूंगा जिसका नाम है जावा टी पॉइंट. उसमें बहुत ही सिंपल टर्म्स में सभी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट. और ये सीखने में टाइम कितना लग जाएगा, अगर आप दिन में 2-3-4 घंटे दोगे तो आप 15-20 दिन में इजीली सीख सकते हो. एंड जब आपने OOPS सीख लिया, देन लेट्स गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस रोड मैप विच इज टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स. अभी मजा आएगा ना. आपको डेवलपमेंट सीखने के लिए एंड रिज्यूमे में लिखने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे, एटलीस्ट आपका एक प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए, बट अगर आप ज्यादा भी बना पाओ इट्स बेटर फॉर यू, लेकिन आपको एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट की तो फुल नॉलेज होनी चाहिए, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में. सो प्रोजेक्ट्स क्या बनाएं? सो फर्स्ट थिंग इज, क्योंकि मैंने बताया पाइथन एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत चीजें हम कर सकते हैं पाइथन में, तो हम पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करके ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. लाइक आप ऑटोमेशन बॉट्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब के बॉट्स बना सकते हो. मैंने एक पुरानी वीडियो में सिखाया भी है कि एक इंस्टा का बॉट कैसे बनाते हैं, यू कैन चेक इट आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड ऑल्सो पाइथन को यूज़ करके आप एक यूज़र इंटरफेस UI भी बना सकते हो, तो आप उसको यूज़ करके काफ़ी छोटी छोटी गेम्स बना सकते हो, जैसे टिक टैक टो, सुडोकू, इस टाइप की गेम्स आप बना सकते हो. आपको मशीन लर्निंग के लिए भी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, तो आप ML के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. आपको इमेज प्रोसेसिंग की भी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, तो आप वो यूज़ करके बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. लाइक आप फेस डिटेक्शन टूल बना सकते हो, इमेज क्रॉपिंग टूल बना सकते हो. ये सब मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है, लेकिन आप इसको यूज करके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, दैट्स अप टू यू. मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी प्रोजेक्ट आइडियाज के ऊपर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट. उसमें मैंने काफी आइडियाज बताए हैं जो कि आप बना सकते हो. सेकंड थिंग इज, आप वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. पाइथन में एक बहुत ही इजी फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम है Django, एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी पावरफुल. बहुत कंपनीज इसको यूज करती हैं, तो अगर आपको ये फ्रेमवर्क आता होगा तो कंपनीज भी इंप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि कंपनीज इसको ऑलरेडी यूज करती हैं, और आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाके वहां पे काम कर सकते हो इसमें, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता होगा, सीखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा. तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स या वेब एप्स बना सकते हो Django को यूज करके. जैसे आप एक न्यूज एग्रीगेटर वेबसाइट बना सकते हो जो कि बहुत अलग अलग सोर्सेज से न्यूज लेके आपकी वेबसाइट पे दिखा दे, जिस भी कैटेगरी में यूजर चाहे उसको वहां पे न्यूज दिख जाए. या जैसे पहले मैंने बताया था, आप DSA लर्निंग रिसोर्सेज का एग्रीगेटर बना सकते हो. जैसे अगर आपको स्टैक सीखना है तो उसका बेस्ट रिसोर्स क्या होगा, अगर आपको लिंक्ड लिस्ट सीखना है तो उसका रिसोर्स क्या होगा, तो ये सब का एक एग्रीगेटर आप बना सकते हो. आपके दोस्तों के लिए भी वो यूजफुल होगा, आपके कॉलेज के बाकी लोग भी उसको यूज कर सकते हैं. ये जस्ट छोटे मोटे आइडियाज हैं, बाकी आइडियाज मैंने एक और वीडियो में बताए हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ, दैट्स ऑल्सो
also on college project ideas. और वो सब ideas will be based on ChatGPT APIs. बहुत ही interesting ideas होने वाले हैं, तो please आप channel को subscribe करके रखो and next video देखना मत भूलना. आप किसी social media website का भी clone बना सकते हो if you want. काफी लोग बनाते हैं but उसका कुछ ज़्यादा use होता नहीं है, but that's up to you. So that was it for this video. I hope it was really helpful to you. Video अच्छी लगी तो like ज़रूर कर देना और channel को subscribe कर देना. Until next time, goodbye. See you soon.